बनारस का ये वो स्टेशन है। यहाँ पे यात्रियों का बड़ा ही भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ पे यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत किया गया है। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब तक है सागर में पानी, अमर कहानी। जब तक है सागर में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी। एक दो तीन चार, बाबा तेरी जय जयकार। एक दो तीन चार, बाबा तेरी जय जयकार। बनारस के स्टेशन से हम लोग गाड़ी संख्या जो कि हमारा बस नंबर 3 है, इसके द्वारा हम लोग सारनाथ की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो भारतीय ध्वज अपनी एक अलग छटा बिखेरता हुआ, भारत का गौरव भारतीय ध्वज, खूबसूरत भारत का तिरंगा। बेसिकली क्या है, उस तिरंगे के आगे बनारस का रेलवे स्टेशन और अभी अभी आई भारत गौरव यात्रा की, बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा की वो ट्रेन जिसमें B3 के यात्री, खूबसूरत यात्री जो कि दिल्ली से चलकर आए हैं। कुछ ऐसा नज़र आता है स्टेशन और बनारस शहर, जो कि यहाँ 8 किलोमीटर की दूरी पर दिखाया जा रहा है। तमाम जगह के झंडे लगे हुए हैं। सारनाथ मात्र 7 किलोमीटर दूर। स्तूप दिख रहे हैं, ये सब उद्देशिक स्तूप हैं, किसी उद्देश्य से लोगों ने बनाए हैं। इसको ही आगे चल कर के मनौती स्तूप कहा गया। तो ये छोटे छोटे स्तूप ये आम जनता के बनाए हुए हैं और यहाँ पे कई विहारों के अवशेष हैं। यहाँ पालवंशी ये जो है, इधर पालवंशी लोगों की स्तूप है, गुप्ता पीरियड का भी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक इसमें जो मूर्ति है भगवान का, जो आवास था गंधकुटी में, एक मूर्ति प्राप्त हुई धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, म्यूजियम रखी हुई है। उस मूर्ति का निर्माण कुमार देवी ने करवाया था। कुमार देवी जयचंद की बहन है, जयचंद भी बौद्ध राजा है, तो उनका बनाया हुआ यहाँ स्तूप है। कब हुए थे सर जी? कब हुए थे जयचंद का काल हमको थोड़ा नहीं याद आ रहा, लेकिन जयचंद उधर ही के हैं, कन्नौज के तरफ के हैं। हाँ, बाद के ही हैं। हाँ, उनको ब्राह्मणों ने जो है गद्दार राजा बताया हुआ है। मूलगंधकुटी बिहार। हाँ, ये बता तो रहे हैं भगवान सिमर रहे हैं। हाँ, मूलगंधकुटी इसलिए कहा जाता है, उसे गंधकुटी कहा जाता है। गंधकुटी इसलिए नाम पड़ता है कि यहाँ भगवान बुद्ध रहते हैं, तो उनके अनुयायी जब उनसे मिलने आते थे उस समय के, तो उनके लिए वो फूल लेकर के आते थे। जैसे अब आप किसी से मिले जाते हैं गुलदस्ता लेकर जाते हैं ना, तो बुद्ध से जब भी कोई आता था मिलने तो उनसे उनके लिए बहुत सारे इसे आपने नहीं पुष्प लेकर के आते थे। पूरा एक उनका जो कक्ष आमने सामने वो पुष्पों से भर जाता था, तो वहाँ से गंध निकलता था, हमेशा सुगंध रहता था। तो सुगंध होने के कारण उस स्थान को गंधकुटी कहा जाता था। गंधकुटी होना चाहिए, गंधकुटी कहा गया। हाँ, वो धातु स्तूप है। हाँ, उसमें अस्थि रखी हुई है जी। और ये बाद में जो है, जब प्रातिक्रांति हुई यहाँ पे, ये सबको जब नष्ट किया गया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में आए थे। 24 नवंबर 1956 को सारनाथ आए थे। उसके पहले अनागारी धम्मपाल जी आए थे। अनागारी धम्मपाल जी जब यहाँ आए थे तो उनका वो लिखते अपनी किताबों में कि बहुत उपेक्षित था। और ये पूरा स्तूप यहाँ जो है, यहाँ के बहुत सारे जो ईंट निकले यहाँ से, बनारस में बहुत सारे पुल बने हैं ईंटों से, और इसमें से भी भगवान का अस्थि धातु निकला था। तो एक यहाँ राजा चैत्य सिंह हुआ था बनारस का, वो भगवान की अस्थियों को गंगा में बहा दिया था।
और यहाँ बहुत सारे इमारतें, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ के स्तूपों के ईंटों से बनी हैं। यहाँ के कंधरा पुल है पूरा यहाँ के। यहाँ एक मान्यता फैला दी गई थी ब्राह्मणवादियों द्वारा कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो तो यहाँ के स्तूप से अपनी नींव बनाए घर की ईंटों से, तो लोग समृद्ध रहेंगे। किसी के पशु बीमार हो जाए तो इसके ईंटों से नाद बना लें, तो बहुत लोग अपना नाद बनाते थे, घर बनाते थे। और यहाँ के जो पुल बनते थे, यहाँ के बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, सब यहीं सीट जाया करते थे। तो एक तरह से जो है आज़ादी के बाद ये थोड़ा संरक्षित हुआ, बच गया जितना है। तो आज आप यहाँ पे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। शाम के 7 बज गए हैं और हम अपने गेस्ट हाउस से निकलकर रेलवे स्टेशन तक के लिए चल दिए हैं। शाम 10, सुहाना मौसम और ये चमचमाती सड़कें और रोशनी में नहाता सारनाथ। यात्रा का 5वां दिन और अब हम लोग कर रहे हैं रात का डिनर, लगभग 10:15 बजे के आसपास। और खाने में है चावल, प्लेन राइस, और ये एक दाल और सेब की कुछ रेसिपी है, और ये है मिक्स वेज, ये है दाल और उड़द की सब्जी, अचार है और पूड़ी है। तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। बाद वो देखिए सामने एक और मूलगंध कुटी बिहार है, वो भी गंध कुटी है, मूलगंध कुटी कहते हैं उसको। वो अनागारिक धर्मपाल जी बाबा साहब से पूर्व सारनाथ में आए, तो उन्होंने यहाँ पे महाबोधि सोसाइटी का स्थापना करी और वहाँ उन्होंने वो बुद्ध विहार बनाया, महाविहार बनाया। तो अभी वो सारनाथ का मेन टेंपल कहा जाता है, तो लोग उसके दर्शनार्थ जाते हैं। ये बगल में एक थाई बुद्ध विहार है, थाई बुद्ध विहार लोग देखने जाते हैं, वहाँ भगवान बुद्ध की 80 फीट की मूर्ति है। और वहाँ सामने म्यूजियम है, म्यूजियम देखने जाते हैं।